देखो तुम 3 दिनों से मुझे लटका रहे हो पैसों के लिए। अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले ना, मैं तुम्हारा कोई काम कर लेने वाली इस नाटक में। दूर की नहीं सोचते आप जैसे छोटी सोच वाले लोग। कुछ 1000 रुपयों के लिए आप करोड़ों की ऑफर को ठोकर मार रही है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। लगा के रखना डोली सजाकर। अजी इधर बैठ, देख लेना मेहंदी का तेरे हाथों पर इतना अच्छा रंग चढ़ेगा ना। देव बाबू की आंखों में बहुत प्यार दिखा है मैंने तुम्हारे लिए। हाँ दिखाओ जरा। अरे वाह कितना अच्छा दुपट्टा है ये, किसका है? मामी जी माँ ने अपने हाथों से हमारे लिए बनाया है। कितना मना किया, इतना बारीक काम मत कीजिए आंखों को तकलीफ होगी। पता नहीं कितनी बार हाथों में सुई चुभी होगी पर माँ माँ ने ही मानी, बना के ही छोड़ा। अरे माँ का प्यार होता ही ऐसा है लता, बच्चों की छोटी से छोटी खुशी के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ भी हंसते हंसते सह जाती है माँ। और हमारी लता बिटिया है भी तो ऐसी ही, इसके लिए तो कुछ भी कर सकती है बहना। यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, वरना हमारी बरसों की मेहनत। बहना है कहाँ भाई? मामा जी वो माँ दुपट्टे के साथ की मैचिंग चूड़ियां लेने गई थी, पर अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई। आज मेहंदी है कल शादी है। राज का फोन है। हेलो, मैंने तुम्हें आज कुछ काम करने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? बस उसी में लगा हूँ, डोंट वरी आज वो काम खत्म हो जाएगा। हाँ तो क्या कह रही थी आप? हाँ सबको सच्चाई बता दो। कैसे बताएगी आप? सच्चाई बताने से पहले पूरी सच्चाई क्या है ये तो जान लीजिए। मतलब ये तुम्हारी बेटी है? हाँ आंटी जी, ये मेरी और एक एक की बेटी है। आ जाओ बेटा अंदर जाकर खेलो। इसका मतलब तुमने झूठ कहा, तुमने झूठ कहा कि ये बच्ची करण की है ना? क्यों किया तुमने ऐसा? करण को पाने के लिए मैं करण से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया, तो ये गम भुलाने के लिए मैं US चली गई और वहां मेरी मुलाकात AK से हुई। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की जरूरत थे, पूरक नहीं। फिर तन्वी के पैदा होने के बाद हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मेरा दिल एक पल के लिए भी करण को नहीं भुला पाया था। और करण को पाने के लिए मैंने एक प्लान किया। उस प्लान के मुताबिक मैंने तन्वी को अपनी और करण की बेटी बताया।
मैं जानती थी कि मेरे भैया अपनी भांजी और अपनी बहन के साथ नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और ऐसा हुआ भी। भैया सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे थे, और वो मौका उन्हें मिला भी। आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ था, गुंडों ने उसे छोड़ दिया था, और विमल को भी दोबारा गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया था। अरे लड़की तो भाग गई, सर किस पर आना चाहिए? ये तो बेहोश है ना। अरे रुक, ये इसका घर छोड़ दे यहाँ से। फिर पता नहीं कैसे आपकी बेटी भागते भागते मेरी गाड़ी के मेरे भैया की गाड़ी के सामने आ गई, और भैया ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर से ये कहने के लिए मैंने ही कहा था कि आपकी बेटी का रेप हुआ है। भैया बेचारे तो लता की मदद करना चाहते थे, इसलिए सच का पता लगाने के लिए उन्होंने डॉक्टर को एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। मैं चाहता हूँ कि लता जी को स्पेशल अटेंशन दिया जाए ताकि वो जल्द ठीक हो जाए। किसी भी तरह की लापरवाही मैं सहन नहीं कर सकता। अरब भैया और विमल दोनों मिलकर सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी बदकिस्मती से ये कभी भी किसी को भी पता नहीं चलेगा। अरे बेटा करण, आभा, तुम लोग यहाँ क्या बात है? दरअसल माँ जी का पता नहीं चल रहा है काफी देर से, इसलिए हम यहाँ भी आए ढूंढने के लिए। आपकी कोई बात हुई है शादी के बारे में माँ से? वैसे मेरी कल ही बात हुई थी रस्मों के बारे में। पता नहीं कहाँ ढूंढेंगे माँ को। आपके घर में कोई बच्चा है क्या? बच्चे की सैंडल है। हेलो दीदी, इंतजार कर रहे हैं, मेहंदी लग रही है। हाँ कहाँ है आप? हम स्वर्ण महान के करीब है भाभी। ग्रीन पार्क ये ग्रीन पार्क। चंद्रप्रभा कहाँ है आप? बेटी की हाँ ग्रीन ठीक है, हम वहाँ पर। हेलो क्या हुआ? हम शीतल जाते हैं, तुम राघव को फोन कर देना। हाँ ग्रीन पार्क में है, और हम आभा को फोन कर देंगे। जी, जी, जी। हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले जाना होगा इन्हें। चलो पापा आंखें खोलिए। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को बुलाइए ना, हॉस्पिटल ले चलिए ना माँ को, पिताजी बुलाइए ना। हाँ माँ, कुछ नहीं होगा आपको, बुलाइए ना डॉक्टर को। जाने वाली आत्मा के जीवन का अधिकांश समय इस स्वर्ण भवन में व्यतीत हुआ। बहू बनकर आई थी वो, तो उनकी अंतिम विदाई भी इस स्वर्ण भवन से ही होनी चाहिए। कभी ना छूटने वाली आदत बन चुकी है। ओम विष्णु
ओम विष्णु भगवान संभाली अपने आप को। आपको इस हालत में देखकर बहना की आत्मा को बहुत दुख होगा। खुशी खुशी विदा कीजिए, खुशी खुशी विदा कीजिए। ठाकुर साहब शोक नहीं करते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये शरीर अजर अमर है, इसको ना कोई अग्नि जला सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई जल गीला कर सकता है, और ना ही कोई हवा इसको उड़ा सकता है, सुखा सकता है। मानस में भी कहा गया है कि छिट जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये शरीर पांच प्रकृति से बनी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से, और जलाने के बाद पंच तत्व में विलीन हो जाती है। इसलिए आप शोक न करें और इनके कल्याण के लिए आप क्रिया करें, पिंडदान करें। वो हाथ में रख लिया जाए, दाहिने हाथ में। अपने गोत्र का उच्चारण कर लें, अपना नाम ले लें, उदय प्रताप सिंह। आपके नाम का उच्चारण करें, अमुक प्रेता प्रेतत्व निवृत्त्यर्थम उत्तम लोक कमलोक प्राप्ति कामनया इदम शवस्थाने पिंडम ते मया दियते तौ प्रतिष्ठन्ताम आपके पास में रख दिया जाए। अब आप सभी लोग आकर के अंतिम प्रणाम कर लें। चली गई बा, हमारी बा चली गई। भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञ। अच्छा हो गया कोयल, तुम सही समय पर पहुंच गए। जाओ अंतिम दर्शन कर लो। सर्वा सर्वा शिवस्थानुर्भूतादी निरव्ययः शंभो भावनो भर्ता प्रभुवा प्रभुरीश्वरः अनादि निधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः मुझे जैसे ही पता चला मैं पहली फ्लाइट लेकर यहाँ आ गई। मैं समझ सकती हूँ आभा की तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक बार टकराने से किसी को भी इतने जख्म नहीं आ सकते।
किसी ने जानबूझकर बार बार इन्हें अपनी गाड़ी से कुचला है। पर इंस्पेक्टर साहब, माजी तो इतनी सीधी सादी थी, सबसे प्यार से मिलती जुलती थी, कोई उनकी जान क्यों लेगा? अब ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा मिस्टर देव। मिस्टर करण, इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल आप लोग माता जी की अंतिम विदाई की तैयारी कीजिए, मैं अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखता हूं। एक्सक्यूज मी। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भुवि जानां भर्जनं श्रीसंपदां। बहुत परेशान लग रही हो। ओ, मेट को अकेली है ना तन्वी घर पे, तो पूछ रही थी कि उसने खाना खाया कि नहीं। तुम्हारी मेड अंग्रेजी बोल लेती है? हाँ, वो थोड़ा बहुत जानती है। ऐसी सिचुएशन में फोन करना सही नहीं रहेगा ना। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंतिम विधि में अब और विलंब करना उचित नहीं है, अब शीघ्र हमें चलना चाहिए। हम भी जाएंगे। आभा, लड़कियां शमशान भूमि नहीं जाती। नियम चाहे जो भी हो, अगर औरत मर के शमशान भूमि जा सकती है, तो जिंदा रहते हुए क्यों नहीं जा सकती? हम भी जाएंगे। देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो भवा। लता की शादी को एक दिन बचा है, शाम को मेहंदी की रस्म है और हमारे दिल में बहुत सारे सवाल है। अब छोटी छोटी बातों से भी डर लगता है। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने जानबूझकर बार बार इन्हें अपनी गाड़ी से कुचला। ठाकुर साहब शोक ना करें, हिंदू सनातन धर्म में विवाह आदि 16 संस्कारों में अग्नि संस्कार सर्वोत्तम संस्कार माना गया है और आज के वातावरण में बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ये संस्कार नसीब होता है। और ठाकुरानी तो बहुत ही पुण्य आत्मा है, जिनका संस्कार उनके देवतुल्य पति के हाथों होने जा रहा है। आज से इनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा और इनकी आत्मा एक नए शरीर को धारण करेगी। इसलिए शोक न कर, इनकी आत्मा के कल्याण के लिए आइए इनका अग्नि संस्कार करें। प्रकाश बाबू, पहले आप जल का मार्जन करें। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो भव। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो भव। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। अब ठाकुर साहब, आप चिता की अग्नि की पूजा कीजिए और उसके बाद में मुखाग्नि दीजिए। आइए। Thank you.
हम आपकी चिता की कसम खाते हैं माँ। लता दीदी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आपकी आहुति को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपकी जलती हुई चिता की कसम हम दोषी को ढूंढ कर रहेंगे। पापी को सजा दिला कर रहेंगे। शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमाय स्वाहा। सभी लोग नमस्कार कर लीजिए और ठाकुरायन जी को अंतिम श्रद्धांजलि समर्पित कर दीजिए। अब हमें जाना होगा आभा। इस परिवार को इसी तरह से बांध कर रखना और हमें पूरा विश्वास है तुम ये बहुत अच्छी तरह से करोगे। इस सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। आपके लता दीदी के गुनहगार को सजा दिला पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।